तो अपने हाथ में आ चुका है गाइस, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्रूट्स का नाम है द लाइट फ्रूट, और ये एकदम फुली मैक्स हो चुका है। तो अगर मैं सर जी को ऐसे फट फट मारूं तो एक ही बार में बंदा ढेर। और मैं आप भी आपको बताता हूँ कि मेरे को ये फ्रूट कैसे मिला। तो हर बार की तरह मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, और सुबह उठते ही मैंने अपने डोले शोले चेक करना शुरू कर दिए, थोड़े बहुत एक्चुअली कम हो चुके थे। तो तभी मैंने उसी वक्त जैकेट डाला और जिम जाने के लिए रेडी हो चुका था। लेकिन जाने से तुरंत पहले मेरी फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है, और वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि चपाती भाई लाइट फ्रूट स्टॉक के अंदर आ चुका है, फटाफट से बाय कर लो। मेरे को लगा कोई मेरे को ट्रोल कर रहा, तो मैं चला गया जिम। तो सबसे पहले मैंने अपनी गाड़ी अनलॉक की एंड ड्राइव करते करते सीधा चला गया जिम। लेकिन इन द मेन टाइम वो नोटिफिकेशन सारा डिस्कॉर्ड पर बंद ही नहीं हो रहे थे। लाइट फ्रूट ले लो, जल्दी करो जल्दी करो। भाई क्या ऐसी आफत आ गई लाइट फ्रूट में। हेलो अजी कैस, अब कैसी हो को छोड़, पहले ये बता कि तुम्हें 6 बजे से मैसेजेस आ रहे हैं लाइट फ्रूट के। मैं जल्दी करी भाई, मेरे से 30 मिनट बाकी, बस 30 मिनट बाकी, मैं जल्दी करी। अगर मैं ना लूं तो क्या होगा, पहले ये बता मेरे को। मैं सोच लो ये आपका लास्ट चांस है, मैं बता क्या लेना पड़ेगा। डिफेंस का डर सुनते ही गाइस मेरे अंदर खड़बड़ी मच गई। तो मैंने सोचा कि फटाफट से जाकर लाइट फ्रूट ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर डिफेंस नाम की कोई चीज नहीं लगानी। उसके बाद मैं डायरेक्टली फ्रूट वाले भैया के पास पहुंच गया, और उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और मैंने देखा कि भाई ये जो लाइट वाला फ्रूट था ये हमारे बजट के बाहर है। तो लाइट फ्रूट आता है 6.5 लाख का, और मेरे पास थे 5.5 लाख कॉइंस। अब मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, मैं घर आके ग्राइंडिंग कर सकता हूँ या मैं जिम में ग्राइंडिंग कर सकता हूँ। जिम में ग्राइंडिंग करना मैंने शुरू कर दिया। अब मैं जिम के अंदर रोबलॉक्स भी खेल रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम लेग डे है तो मैं लेग्स की एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। एक मशीन के ऊपर 2 मिनट लगते हैं, तो मैं उसी मशीन के ऊपर 15 मिनट लगा रहा हूँ। पूरा जिम मेरे को देख रहा है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन हम बिच्छू गंग के बंदे हैं, तो मैंने जिम के अंदर बिल्कुल भी हार नहीं मानी। तो मैंने एक्सरसाइजिंग भी की, ग्राइंडिंग भी की और एक्सरसाइजिंग भी की, बॉसेस को भी मारा और एक्सरसाइजिंग की और ग्राइंडिंग की, एंड फाइनली अपने फ्रूट वाले भैया के पास जाके मैंने फ्रूट के ऊपर क्लिक करके लाइट फ्रूट सीधा अपनी इन्वेंटरी में डाला। लेट्स गो। उसके बाद मैं आ चुका था अपने फाउंटेन वाले आइलैंड के ऊपर, जहां पर मेरे को मास्टरी ग्राइंड करनी थी। फटैक 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 फटैक, ये ले एंड ये ले एंड तितर बितर, ये लेट्स गो। और देख रहे हो सारी पावर मैंने अनलॉक कर दी है। तो अगर मैं जेड दबा के देखूं तो वो एक्स से यो भाई, और सी से होली क्राप, और अगर अभी वी वाली पावर देखूं तो ओ माय गॉड, ऊपर से मीटियर गिरा रहा है यहाँ पर। और मैंने अभी नोटिस किया कि इस फ्रूट के अंदर 5 पावर है, और अगर मैं एफ दबा के देखूं तो आई थिंक आई डोंट नो कि ये क्या था। ये भाई मेरा ये एफ से क्या होता है, एफ से बताना मेरे को। अरे एक्स से उड़ सकते हो आप। होली क्राप, ये तुम लोग मेरे को पहले क्यों नहीं बता रहे थे। यार क्रिएटिव में खेल रहा हूँ मैं अब तो। ये तो ऐसा लग रहा था 3 घंटे मेहनत करके मैंने फाइनली लाइट फ्रूट ले लिया, उसको मैक्स भी कर दिया। हालांकि हमारी डील हुई थी बुद्धा फ्रूट लेने के, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट बार ही बुद्धा को ग्राइंड करेंगे। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो नीचे मैंने सब्सक्राइब का बटन देकर रखा हुआ है, फटाफट दबाओ उसको। और मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आज सबने एक चीज स्पैम करनी है, लाइट फ्रूट एंड प्लस जिम ओपी। आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरे को ये पावर दिखानी है अपने गोरिल्ला वाले भाई को। भाई गोरिल्ला किंग को पता लगना चाहिए कि भाई हमारे पास खतरनाक वाली पावरें आ चुकी हैं। ब्रिंग ब्रुंग बिंग बड़ा बूम, स्टोरी खत्म गोरिल्ला की। और मेरे पास 1 सेकंड गाइस 48 स्टैट्स पॉइंट्स हैं। अब मेरे को पता कि आप जैसे 9 साल के बच्चे बोलोगे बहुत सारे के तपाती भाई डिफेंस डिफेंस, मैं आपके कहने पर मैं 1 लगा लेता हूं और बाकी वाले जाएंगे एकदम से ब्लॉक्स फ्रूट के ऊपर। भाई मेरे को यहाँ पर पावर फील हो रही है, पावर भाई मेरे को लेजेंड लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा बच चुका हूँ। और ये चादर, और ये चादर से आता है मेरे को बहुत सारे बंदे ने बोल कर रखा था कि यहाँ पर ना एक ब्लैक केप है उसी वाले फोटोस के अंदर, तो फटाफट से जाके वो भी ले लो। अभी मेरे को ये पता करना कि एक्चुअली ब्लैक केप होती कहाँ पर है। गाइस तुम लोगों को पता है क्या वो? सुनने में यहाँ पे पहाड़ के ऊपर होती है, टावर के ऊपर, देख लो आप। छलांग छलांग एंड छलांग, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है यार। वो सामने वाला टावर के अंदर अगर मैं जाके देखूं तो भैंस यहाँ पर चस पड़ा। अभी पानी के अंदर जाने वाला था यार मैं। ओ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अरे आ जाओ भाई, यहाँ पर मेरे को मिलने वाली है काली केप। ये इतनी खतरनाक वाली चीजें लोगों ने अंडरग्राउंड क्यों लगा कर रखी है, मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही। घुस जा भाई मेरे। अब ये मत बोलियो कि मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि हसन का भी जो है सेम पंगा था। बट एनीवेज गाइस अगर इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो भाई, ओ ये एक्चुअली बात कर रहा है मुझसे। लोल डूड, आई जस्ट फाउंड दिस ब्लैक केप फ्रॉम माय 100K। बच्चों को लूट, लिटरली बच्चों को लूट के आया है ये। 50,000 की केप बेच रहा, तो एक काम करता है, डील मारी नहीं है तो मैं फटाफट से इसके केप ले लेता हूँ, और लेट्स गो। मेरी इन्वेंटरी के अंदर आ चुकी है ब्लैक केप, तो अगर मैं ये पहन के देखूं तो ओ तेरे
आई एम बैटमैन। तो अगर मैं ये वाली उतार के ब्लैक वाली पहन के देखूं तो हैंग ऑन अ सेकंड, अरे मेरी हेल्थ भी बढ़ चुकी है यहाँ पर। नाइस, अभी बोलो ना डिफेंस लेने का है। एंड फटाक से मारो तो भाई, मेरा डैमेज ही बढ़ रहा है और मेरा डिफेंस ही बढ़ चुका है। इसे कहते हैं गाइस बिना डिफेंस के गेम खेलने का। और गाइस लास्ट वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोगों ने बता कर रखा था कि यहां फ्रोजन आयरन के ऊपर ना खुफिया केव बना हुआ है जहां से खतरनाक वाली चीजें मिल सकती हैं, जैसे कि ऑरा, डबल जंप, ट्रिपल जंप और बहुत सारी चीजें। एंड यही वो केव है ब्रो, अंदर दुकानें बनी है, मेरे को पता भी नहीं था। और है भाई साहब, तो ये रही गाइस एबिलिटी टीचर। तो ये टीचर मेरे को बहुत सारी एबिलिटीज देगी जो कि मेरे को गेम खेलने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। हेलो चाचू, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो सबसे पहले मेरे को बाय करनी है एयर जंप। ओह ओह, हाय ओए, हाय हाय, खतरनाक है यार ये। इसके बाद आती है ऑरा, 25,000 की ऑरा। आई विल टीच यू टू एनहांस योर फिजिकल अटैक वेपन टू डैमेज। ओके, पता नहीं क्या बोल रहा, लेकिन एक काम करते हैं, लेन कर लेते हैं। एंड लीजिए, लेन भी हो गई, सही है यार। मतलब कि उसके ऊपर क्लिक किया और डिग्री मिल गई, नाइस है। और तुम दोनों रेडी हो जाओ दुनिया की सबसे खतरनाक चीज देखने के लिए। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऑरा की पावर। तो जे दबाना होता है ना गाइस, भाई मेरे हाथ काले हो चुके हैं यार, क्या ये मखौल है भाई। हेलो, अभी आपका ऑरा बस हाथ में है, जैसे हम लोग दोनों का बॉडी ऑरा है, क्योंकि हम मैक्स हैं, तो आपका डैमेज जैसे इंक्रीज होता रहेगा। हाथ में है, बॉडी में आएगा, सर पे आएगा, फिर पैर पे आएगा, फिर पूरा बॉडी आपका मैक्स हो जाएगा। ये बीमारी लग रही है मेरे को, ऑरा कम बीमारी ज्यादा लग रही है ये। अभी आती है अपनी इसके बाद नेक्स्ट वाली एबिलिटी। तो एक बार फिर से गाइस के ऊपर मुझे क्लिक करना है। और अब ये फ्लैश टैप क्या होता है, काम करता है हैंड रूट के वे व्हाट। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अपने पास तो डबल कॉइंस आ चुके हैं ना, मैं फटाफट से येटी की टैडी निकाल के अभी आता हूं। हेलो येटी, अभी देखिए मेरी पावर है। तो गाइस अभी अगर मैं जेड दबा के देखूं ना तो फटा बचाओ। अबे ये रुक ही नहीं रहा, मेरे पास आ रहा है ये। अगर मैं जेड दबा के, अच्छा तूने तूने मार दिया, वैसे मैं मार देता, तूने मार दिया तो it's okay. I will teach you how to travel between medium distances extremely fast. क्या बात कर रहा है यार, let's go, तो ये तो मेरे को चाहिए यार, let's go. Okay, मैंने buy कर लिया और उसने मेरे को बोल कर रखा था कि R दबाना है। मखौल है, मैंने यहाँ से यहाँ travel किया, hand drop के दिए मैंने stability के। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके फटाक से, ओरे खतरनाक है यार ये वाली पावर तो। ओके, एट द सेम टाइम गाइस, इसके साथ में एक बंदा खड़ा हुआ है जिसका नाम है कलर स्पेशलिस्ट। काम करते हैं, मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है और मुझे ये पता करना कि आखिरकार ये सज्जन जी क्या दे रहे हैं मेरे को। वुड यू लाइक टू सी द लिस्ट ऑफ ऑरा कलर्स। ओके, मेरी ऑरा के कलर भी चेंज होते हैं, ये सारे लॉक्ड है। नाइस है, आपके यहाँ पोस्टर होगी, पोस्टर बाउंटी के नाम पे, आ जाओ देखो। मेरी बाउंटी लगी है यहाँ पर, मेरे को पता करना है यार क्या होता है मेरी बाउंटी होगी तो। और मैं देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा भाई एनर्जी मेरी बढ़ चुकी है यहाँ पर। ओके, कहाँ पर है मेरा पोस्टर, ये देखो ब्रो, मैं वांटेड बन गया यहाँ पर गेम के अंदर भाई। 1,000 रुपए रिवॉर्ड देकर रखा है गेम वाले। भाई इमेजिन, आप लोग मेरे को मार के 1,000 रोबक्स को मारे हो ब्रो, 1,000 बिक चुकी है दुनिया भाई, बिक चुकी है ये। कोई भी गेम के अंदर दोस्त नहीं है अपना, पैसों के लिए मेरे को मार दिया लोगों ने। अलवन सेकंड ब्रो, आगे बढ़ने से पहले गाइस अपना लक कुछ ज्यादा ही मस्त चल रहा है, तो काम करते हैं आगे बढ़ने से पहले एक गाचा वाले भैया से फ्रूट मैं यहाँ से रोल कर लेता हूँ। एंड 50,000, चलो कोई बात नहीं, एनिमल अब्यूज करके आता हूँ ना। डिस्काउंट भी नहीं दे रहा मेरे को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर अब भी रोल करके देखो तो फटाक से डार्क फ्रूट मेरे को देख रखा हुआ यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, फिलहाल मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, बाद में बाद काम आ जाएगा। अच्छा, स्टोरेज ही फुल, जीने दो भाई, स्टोरेज लेने के लिए 400 रोबक्स देने पड़ते हैं। व्हाट, ले भाई ले 400, ले यार, लेकिन मेरे को स्टोरेज दे। अब अगर मैं अपना मैप खोल के देखूं ना तो ये मेरे को बोल रहा है कि मेरे को अभी जाना स्काई आइलैंड के ऊपर, मतलब कि वहां पर जाके एनपीसीज को धोएंगे। ओके, तो ये रहा गाइस इतना छोटा सा स्काई आइलैंड। भाई मेरे को लगा था कि एकदम से भारी भरकम जगह होगी, लेकिन नहीं। अरे भाई साहब, ये देखो क्या फाउंटेन लगी है। अच्छा, नीचे भी है वो, मैं वाटर बकेट ट्रिक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एल सीधा पानी में। अच्छा, पानी में हेल्प जाते हैं, मैं भूल गया था। ओके, अभी यहाँ पर मेरे को ये झूला झूल के ऊपर चढ़ना, लेकिन हैंग ऑन अ सेकंड, मैं भूल चुका हूँ कि मेरे पास से उड़ने वाली शक्ति है यार, ये कब काम आएगी मेरे। अच्छा यहाँ, अच्छा सॉरी, फिर से नीचे आएगा, शिट। एक काम करते हैं गाइस, अब की बार ये मेहनत करके ऊपर चढ़ जाते हैं, बाद में शक्तियां मार के आ जाएंगे हम लोग। मेरे को यहाँ पर सेट करना होगा अपना होम पॉइंट। एंड ये रही गाइस अपने क्वेस्ट वाले भैया जी। हेलो सर जी, कैसे हो। तो काम करते हैं, मेरे को सबसे पहले मारने पड़ेंगे स्काई बैंडिट्स जो की है 7। अभी धो के आता हूं उनको बिना डिफेंस के। ओ तो ये मुस्टंडे मार रहे हैं मेरे को,
कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात है, एक भी नहीं मर। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, आप फंडा समझ गए यहाँ पर। एंड फटाक, चलो बुनी हो गई, एक तो गया। ओहो, यहाँ पर तो पूरा गुच्छा जमा हुआ है यहाँ पर। एंड फटाक, से मैस कर दिया मैंने एक ही बार में इनको। हेलो मेरी जान, अरे गाइस आया तो एक बार फिर से गाइस, मेरे को मारने डार्क मॉन्स्टर रूबी 8 मार गया तो मैं। ओके, तो ये अपने डार्क मॉन्स्टर रन फट 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 यार एक्स, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ये खतरनाक वाली पावर, लेट्स गो। एक्स दबा के फिर एक और ढेर हो चुका है यार, एकदम बढ़िया भाई। ये क्या टिकेंगे मेरे सामने भाई, लात मार के मैंने उनको पाताल में पहुंचा दिया। देख रहे हो तुम लोग, मैंने 5 मार दिया ऑलरेडी। अरे भाई साहब, बिच्छू के बंदे यहाँ पर मिले हैं। आई एम बिग फैन ब्रो, अरे थैंक यू सो मच। अभी तेरे को ये बोलना है, डिफेंस इज शिट। कम ऑन ब्रो, मेरे को सिर्फ यहाँ पर एक ही और बंदा मारना है। कम ऑन ब्रो, वन मोर एंड फटाक से पावर मार के इसको अगर मैं मारू तो फटाक से मामला कंप्लीट। और अभी गाइस मेरे को आइलैंड से निकलने के लिए मेरे को अपना लेवल लेके जाना पड़ेगा 200 तक। लेट्स गो, लेके चलो कोई बात नहीं गाइस, पावर अपने पास बहुत ज्यादा आ चुकी है। और एक बार फिर से अंदर घुसते ही फटाक, लेट्स गो यार, खतरनाक है। आते किक मार के 4 बंदे गए। लेकिन हैंग ऑन अ सेकंड, इस वाले आइलैंड का बॉस कहां पर है? मैंने बॉस को तो मारा भी नहीं। एक काम करते हैं, वापस मेरे को ऊपर जाना और सरजी से बात करते हैं। मेरे को लगता है कि ये वाला बंदा मेरे को भी बॉस वाली क्वेस्ट देगा। हेलो मेरी जान, कैसा है? अबे बॉस को लेके आया, छोटे मोटे मच्छर मेरे को नहीं मारने। और किधर है पहला वाला बॉस? ये रहा। अबे ये तो जियान है। अरे रुक, इसके मैं भी ठोक। अरे पास में, पास पीछे पीछे पीछे। अभी देखिए मैं पावर देखिए पैसे। हाँ भाई जियान, ले ऐसे पावर इसके पास भी ज्यादा लेवल की है। ये सेकंड फाइनल है। ओके भाई साहब, ओके हट जा। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर अपने ब्लॉक फ्रूट के ऊपर जो है चीजें लगा के रखनी है, पूरा मैक्स कर। भाई मैं चीजें लगा रहा था यार। देख ये पावर है, देख रहा पावर है भाई, क्या डैमेज किया मैंने इसके ऊपर ब्रो, देख रहे हो तुम लोग? किधर गया? अच्छा ऊपर से मार रहा है। अच्छा हाँ, उसने भी डैमेज किया, लेकिन ये तुम लोगों ने नहीं देखा, ठीक है? तो लीजिएगा इस लेवल 200 तक मेरे को जाना था और मैं 200 तक आ चुका हूँ। बहुत ज्यादा मस्त लेवल की यहाँ पर ग्राइंडिंग चल रही है भाई, एकदम ओपी गेम हो रही है ये वाली। तो चलिएगा, इस वीडियो में इतना काफी है, मेरे को तो बहुत 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 मजा आया। और अगर आपको मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।